भगवंत सिंह मान नूं मुख्यमंत्री पंजाब नूं तनखाइया करार दिता जाता है। मुख्यमंत्री पंजाब नूं तनखाइया करार दिता जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह। आप जी बड़ी चंगी तरह जानते हो कि पिछले समय के दौरान गुरबाणी प्रसारण नूं एक बहाना बना के पंजाब दी सरकार ने सिख रहत मर्यादा सिख मसलियां विच वड्डी दखलअंदाजी की है। 1925 का जिहड़ा एक्ट है उस दे मुताबक कोई भी स्टेट सरकार जिहड़ी सिख रहत मर्यादा वा उहदे विच दखल नहीं दे सकदी। जे सेंटर दी सरकार ने कोई तब्दीली करनी है, कोई सुझाव देना है, उस वास्ते भी सेंटर सरकार नूं सिखां दी सहमति लैनी पैंदी है। जे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सहमत हो जावे जां सिख सहमत हो जाण ते उह सोध करन दी लोड महसूस करन, उस एक्ट दे विच सोध हो सकदी है। अगर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जां सिख उन्हूं मंजूर ना करन जां सहमति ना देन ते फिर सेंटर दी सरकार भी सीधे तौर दे उत्ते साडी धार्मिक मान मर्यादा विच दखल नहीं दे सकदी। पंजाब दी सरकार ने इस सब कासे की उलंघना करके, क्योंकि 92 MLA जिते हुए ने, विरोधी धिर उत्थे है नहीं, उन्हां नूं पता सी कि साडियां 92 वोटां एक तरफ पै जाणियां, उन्हां ने वो कानून पास करके भेज दिता कि असीं आ सोध करदे। अकाल तख्त साहिब दे उत्ते जदों ये शिकायत आई, जदों ये मसला आया तो श्री अकाल तख्त साहिब जिहड़ा कि सिख रहत मर्यादा दी सिखां दे हक हकूक दी पंजाब दी पूरे देशवासियों दी जिहड़ी रहनमई करदा, श्री अकाल तख्त साहिब दी रहत मर्यादा दे मुताबक इस गल दा नोटिस लिया गया और पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते सद्दा दिता गया कि तुसीं आ के सानू दसो कि ये कानून तुसीं केड़ी हैसियत विच पास कीता वा जां क्यों कीता वा, सानू इहदा जवाब जां स्पष्टीकरण चाहिए। 3 तरीकां पईआं, समां दिता गया पर वो नहीं आए, ताकत दा नशा नहीं आए। 4 तरीक दे उत्ते उन्हां ने 2 MLA एक पत्र दे के साडे कोल भेजिया और असी वो पत्र 5 सिंह साहिबान ने पढ़िया। जो असी वो पत्र पढ़िया तो सानू ऐ लग्या कि पंजाब दी सरकार जां पंजाब दा मुख्यमंत्री श्री अकाल तख्त साहिब नाल छाल कर रहा है। वो जिहड़ा पत्र है उन्होंने भेजिया वो भी मैं लेके आया, क्योंकि मैं तुहाडे नाल वादा करके गया सी कि ये पत्र प्रेस दे रूबरू किया जाऊगा। ये अज कोई नवी गल नहीं कि पंजाब दा मुख्यमंत्री ये गल कह रहा कि मैं अकाल तख्त ते क्यों जावा, मैं तो मुख्यमंत्री हाँ। जदों महाराजा रणजीत सिंह ने अकाली फूला सिंह ने सद्या, जिदे राज दी मिसाल दुनिया में अज तक किते नहीं मिलती, एक बारी महाराजा रणजीत सिंह ने भी जवाब दे दिता सी, दूजी बारी वो पेश होया सी, जवाब दे दिता सी कि मैं क्यों निहंग दे पेश होवां। उस तो बाद बरनाला सरकार ने गलती की,
ਬਰਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ MLA ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ MLA ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਆਹ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮਿਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ 2023। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੁਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਜੋ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ।
अज जो सानू चिट्ठी आने तो बाद सरकार का स्नेह आने तो बाद विचार वटांदरा करने तो बाद गुरमता यह होया है कि यह चिट्ठी जड़ी है ये श्री अकाल तख्त साहब की रहत मर्यादा की पूर्ति नहीं करती। ये सिखां नूं कदाचित भी मंजूर नहीं। इसलिए श्री अकाल तख्त साहब वैसे तो तीन मौके दिंदा वा, चौथा मौका तो दिता गया सी क्योंकि उन्होंने आके सानू चिट्ठी पत्र दिता। असी गुरमर्यादा नूं मुख रख के गुरु रामदास सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दे स्थान तो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा दी गैर हाजरी विच दास पंथ दा सेवा होदार होण दे नाते जो अज इत्थे गुरमता सोधिया गया है वह जिहड़ा फैसला वा वह समूह संगतां दे रूबरू करना चाहुंदा है। गुरु प्यारे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत बेनती है कि सरबत खालसा वालों दास नूं बख्शिश कीती अकाल तख्त साहब दे कार्यकारी जथेदार की सेवा दे फर्ज नूं निभाउंदिआं हर वेले पंथ दे खिलाफ हो रही सरकारी ते गैर सरकारी साजिशां उत्ते हमेशा बाज अख रखी हुई है। पिछले समय विच ध्यान विच आया सी कि पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा विच विशेष इजलास सद के जिथे गुरद्वारा एक्ट 1925 नाल कुछ बेलोड़ियां धरावां जोड़दिआं सरकारी दखलअंदाजी का राह मुकला कीता सी उत्थे सिंघां दी दस्तार का भी मजाक उड़ाया गया सी। इस संबंधी अकाल तख्त साहब वालों नोटिस लिया गया है कि मुख मंत्री पंजाब नूं इस बारे जुम्मेवार समझदिआं स्पष्टीकरण मंगिया गया सी। इस संबंध विच अकाल तख्त साहब की मर्यादा और रवायत अनुसार तीन मौके मुख मंत्री नूं दित्ते गए सन, परंतु अखीरले मौके ते एक बंद लिफाफा भेजिया गया जिस करके मुख मंत्री दे स्पष्टीकरण नूं पढ़न लई कुछ दिनों वास्ते कार्रवाई नूं अगे पाया गया, परंतु हुण जदों उह चिट्ठी पढ़ी है तां इस नाल अकाल तख्त साहब जां पंथक जज्बातां अनुसार कोई अहमियत नहीं बनदी। इस करके अजिहा प्रतीत हो रहा है कि यह सब कुछ एक साजिश अधीन जानबुझ के बदनीति नाल कीता जा रहा है। इस करके पंज सिंह साहिबाना की मीटिंग विच विचार करन उपरंत यह गुरमता सोधिया गया है कि मुख मंत्री भगवंत सिंह मान जानबुझ के अकाल तख्त साहब का समा खराब करते आ रहे हैं अते उन्हां नूं अपने किते ते कोई पछतावा नहीं हो रहा। इसलिए अजिहे बजर गुनाह अते अकाल तख्त साहब नाल मजाक विच पेश आउण दे दोष विच भगवंत सिंह मान नूं मुख मंत्री पंजाब नूं तनखाइया करार दिता जांदा है अते समुचे खालसा पंथ अते गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं अपील की जाती है कि भगवंत सिंह मान नूं उन्हां चेर किसी भी पंथक समागम जां गुरद्वारा साहब की स्टेज तो ना बोलन दिता जाए तो ना ही गुरु की बख्शिश सरोपाओ दिता जाए। जिन्ना चेर श्री अकाल तख्त साहब ते पेश हो के माफ़ी नहीं मंग लेंदे सिख संगतां इस आदेश नूं मन के गुरु हरगोबिंद साहिब दीआं खुशियां प्राप्त करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक पतित नूं ते शराबी ते शराबी नूं जिहड़ा रहत मर्यादा ते बड़ी दूर दी गल है सिख भी नहीं है वैसे उहदे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है अकाल तख्त साहिब
जवाब सुनो समय समय से समा बदलता रहा है। जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा ये सारी सिख कौम ने मिल बैठ के इनू तैयार किया वा। गुरु साहब का जो सिद्धांत उन्हू मुख रख के देश विदेश विच जिथे भी सिख वसदे ने वो श्री अकाल तख्त साहब की उस मान मर्यादा मनते ने। पर मजाक उड़ाया ना जी उन्हें जे कोई गुरु ग्रंथ साहब से विश्वास करन वाला अपनी रीति रिवाज गुरु ग्रंथ साहब के मुताबक करन वाला उहदे ते श्रद्धा रखन वाला अपनी चिट्ठी ते सुनेहा विच अकाल तख्त साहब नूं महानता देन वाला सिख जदों कई फड़ के हरिमंदर साहब नूं गुरद्वारा साहब नूं जां अकाल तख्त नूं जां उहदी मर्यादा नूं ढाउण की कोशिश करेगा उहनूं बख्शिया नहीं जाऊगा, उहनूं सज़ा मिलेगी। रैत मर्यादा जिहड़ी आ सिखां ने तैयार कीती आ, जिहड़ा एक्ट आ उह सरकार ने तैयार कीता, पर उह एक्ट कहिंदा वा कि कोई भी स्टेट सरकार ये विच दखल अंदाजी नहीं कर सकती। जे सेंटर ने भी करनी है वो हाँ बिल्कुल वो श्रोमणी कमेटी के उत्ते सिखां दी धार्मिक संस्था के उत्ते वो एक बहुत बड़ा हमला वा। कभी दिल्ली की कमेटी वक्री बनती है, कभी हरियाणे की कमेटी वक्री बनती है, कभी नंदेड़ साहब का जिहड़ा प्रबंधक आ गैर सिख नूं लै जांदा, कभी पटना साहब के विच कुछ हुंदा वा। ये सारी छेड़छाड़ आ ये सरकारां ते एजेंसियां जिहड़ियां कर रही हैं सिख इहदे तों सुचेत ने और ये अपनी चाल जिहड़े चलते रहेंगे ते अकाल तख्त साहब जिहड़ा अपनी मर्यादा नूं निभाउंदा रहूगा। देखो मेरी जिहड़ा MLA तुहाडे सामने उस दिन इत्थे बोल के गया वा धुन साहब सरवण सिंह धुन ओहदा मैनूं फोन भी आया सी, ओहदे नाल मेरी गल हुई। मैं क्या आह की है तुसीं की कीता है? कहिंदा सिंह साहब जो मैनूं चंडीगढ़ तों गया मैं एक एक अक्खर लिखिया वा, मेरी ड्यूटी लई मैं ड्यूटी निभाई। सिंह साहब जिहड़ा सरबत खालसे दे जथेदार ने उहनां नूं कोई सीरियसली नहीं लै रहा। इस तों पहलां तुसीं जदों कारवाई शुरू कीती सी उदों आया सीगा कि तुसीं उन्हां दी गल छड्डो, उन्हां दी भी गल छड्डो, तुसीं अपनी गल करो। तुसीं भी मेरी गल सुन लो, तुसीं भी मैनूं डिक्टेटर ही कहो, जो मर्जी कहो। अकाल तख्त साहब का जथेदार डिक्टेटर नहीं हुंदा, सेवादार हुंदा, मैं सेवादार हाँ। तुसीं अपनी भाषा विच जां कोई भी अपनी भाषा विच जो मर्जी कहो मैनूं मंजूर है जी, मैं गुस्सा थोड़ी करदा। सिंह साहब तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, 19 जुलाई नूं इह चिट्ठी आई सी, एक महीना ला दिता, जबकि असीं साडी इहो बेनती सी कि चिट्ठी नूं पढ़ लो, इहदे च बहुत छल हो सकदे ने, पर तुसीं नहीं पढ़ी जी ओह चिट्ठी। मैं जरूर तुसीं मैनूं कहा सी ते मैं इस करके नहीं पढ़ी के जो मैं क्या कला कवां ते वो ठीक नहीं होगा। जिहड़े पंजा सिंघां नाल भी सारियां संगतां नाल क्योंकि सरकार नाल सीधी टक्कर है, तुसीं इस गल नूं समझदे चंगी तरह। MLAs दे खिलाफ की कारवाई करोगे जी? जिहड़ी चिट्ठी लैके स्पीकर है जी उहदे विच तुसीं उहनां दे खिलाफ 92 MLA शामिल ने, असमंदर नूं पास कराण वाले 2 MLA सीधे तौर ते धोखा कर गए ने चिट्ठी दे के। स्पीकर साहब उत्थे बह के सारी कारवाई नूं सुणदे पए ने, प्रमाण करदे पए ने, ओह कह रहे ने कि दसो जी इह सारा कुछ मंजूर है, ओह मंजूर करवाउंदे ने मते नूं, ओह दोषी नहीं नाल ਜਿਹੜੇ 2 MLA ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ,
नहीं हौली हौली सारा कुछ होगा। आ जड़ी मेरी प्रेस नू बेनती है, आ जड़ी कार्रवाई है ना ये बहुत महान कार्रवाई है, ये बहुत सोच समझ के की गई है। आप इतों तक सीमित रहो, जो मेरे को सारिया शिकायत हो जो कहोगे उन विचार के किया जाऊगा। अकाल तख्त साहब न समर्पण आ सिख, अकाल तख्त साहब का दिलों सत्कार करता वा तो मुताबक अपना जीवन चला। मैं उम्मीद है भी वह इस रोपा नहीं दूगा, जेड़ा नहीं मानता वो दे दे कोई। हाँ जी, मेरी एक समुचे खालसा पंथ को बेनती है, अज तक आप सारे ने यही इल्जाम लाए ने कि अकाल तख्त के जथेदार जिहड़े ने किसी के दबाव थले चलते ने जो मर्यादा तोड़ते ने ज मर्यादा तो उल्ट जाके किसी के दबाव थले गलत फैसले करते ने जिहदा सिख कौम नूं नुकसान हुंदा। इसलिए उत्थे जिहड़ा भी जथेदार भावें 100% सही होवे, जिहड़ा भी उत्थे आके बैठता है लोगों दीआं उंगलां उत्थे उहदे उत्ते उठदीआं। पर मैं निम्रता सहित बेनती करदा वां समुचे खालसा पंथ नूं जिथे भी सिख वसदे ने, भाई असी तां कोशिश कर रहे हैं कि श्री अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा बहाल किया जाए, अकाल तख्त साहब न सर्वोच्च किया जाए, सारी सिख कौम श्री अकाल तख्त साहब के दुआले अपनी पहरेदारी करे और संगत भी हुण जो अकाल तख्त साहब तो हुक्म जा आदेश संदेश जारी होता है वो सिख संगत भी पहरा देने की कोशिश करे।